सभी गुरुजनों को प्रणाम और सहपाठियों को नमस्कार। हमारी कक्षा ने आदरणीय श्री के जोशी जी के मार्गदर्शन में वक्री ग्रहों पर शोध किया है। उसी आधार पर मैं यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। आइए पहले हम वक्री ग्रह की कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। कोई भी ग्रह वक्री तभी होता है जब वह सूर्य से दूर होता है। सूर्य आत्मा का कारक है तथा सूर्य से दूर यानी आत्मा से दूर होकर हमारे कर्म बंधन और बलि हो जाते हैं। दीर्घ कार्य फल की प्राप्ति में वक्री ग्रहों की अहम भूमिका होती है। यहाँ शोध में हमने यह पाया कि वक्री ग्रह सदैव बुरे फल ही नहीं देते या अचानक अच्छे या बुरे दोनों तरह के फल देने में सक्षम होते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में वक्री ग्रहों को बेहतर माना जाता है क्योंकि इनकी तकनीकी विषयों की पढ़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि पंचम भाव पर वक्री ग्रह की दृष्टि हो या कोई पाप ग्रह वक्री होकर पंचम भाव से संबंध बनाए तो जातक तकनीकी शिक्षा में तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। पृथ्वी के निकट होने से वक्री ग्रह ज्यादा रश्मियुक्त हो जाते हैं। जैसे पूर्णिमा का चंद्र कभी कभी खराब फल देता है लेकिन फिर भी बलि होने से कई क्षेत्रों में शुभ भी होता है। ऐसे ही हमें वक्री ग्रह के बारे में सोचना चाहिए। वक्री ग्रह अपरंपरागत क्षेत्र में भी अच्छा फल देते हैं। कई बार वक्र अवस्था में यह पिछले भाव का अधूरा कार्य भी पूरा करते हैं। प्रस्तुत कुंडली कर्क लग्न की एक महिला की है। पेज 30 केस 7। कर्क लगन की एक महिला की है। जन्मांग में सूर्य और शुक्र न केवल वर्गोत्तम है अपितु इनमें राशि परिवर्तन भी है। वक्री गुरु नवम भाव में स्वराशि होकर चंद्र के साथ युति में सुंदर गज केसरी योग का निर्माण कर भाग्य वृद्धि कर रहा है। तृतीय भाव से उच्च के वक्री बुध की दृष्टि नमस्त भाग्येश गुरु पर है। शनि की महादशा। जातिका सात बहने और एक भाई है। जातिका स्वयं तीसरी संतान है। जातिका को शनि की विंशोत्तरी महादशा 9 मार्च 1975 से 9 मार्च 1994 तक की मिली। जातिका के पिता लखनऊ स्थित HAL में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। शनि की छिद्र दशा में जातिका के पिता की नौकरी चली गई। आर्थिक तंगी के बावजूद जातिका ने 1993 में 12वीं पास की। इसी छिद्र दशा में 2 की पढ़ाई नहीं हो पाई। तत्पश्चात उसे वक्री बुध की 17 की महादशा प्राप्त हुई। आइए इनके जीवन में आई घटनाओं का अवलोकन करते हैं। पहली घटना 3 भागों में विभाजित है। तीनों में हमने 1 अप्रैल 1994 का गोचर लिया। 1 अप्रैल 1994 का गोचर लगा दें। हाँ, 1 अप्रैल 1994। इसका भाग एक है विषय परिवर्तन। दशा थी शनि गुरु। शिक्षा के समय जातिका का बार बार विषय बदला था। पहले 10वीं में आर्ट्स, फिर 12वीं में विज्ञान लिया, BSc से स्नातक किया, IAS की कोचिंग भी ली और IAS की प्राथमिक परीक्षा की मनोविज्ञान विज्ञान विषय में 80% अंक प्राप्त किए लेकिन मुख्य परीक्षा पास नहीं कर सकी। 1 अप्रैल 1994। महादशानाथ शनि अंतरदशानाथ गुरु से पंचम भाव में स्थित है। लग्न से पंचम भाव पर वक्री गुरु की दृष्टि है। यदि हम चंद्र लग्न से देखें तो पंचमेश स्वयं चंद्रमा है जो षष्ठेश वक्री गुरु से युक्त है। साथ ही शिक्षा के कारक बुध से पंचमेश शनि पर भी वक्री गुरु की दृष्टि है। यहाँ बुध तथा गुरु दोनों वक्री होकर तीनों अक्ष पर एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। इन सब तथ्यों के कारण जातिका को बार बार विषय बदलना पड़ा। इसी का सेकेंड पार्ट है। लखनऊ प्रकाश के पास ही किराए के मकान में रहना पड़ा। इस समय दशा थी बुध बुध बुध। वक्री बुध की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर में लखनऊ के अपने पैतृक घर के पास ही इन्हें घर लेना पड़ा। महादशानाथ बुध वक्री हैं और जन्मांग के तृतीयेश शेष होकर तृतीय भाव में ही स्वराशि थी। तृतीयेश वक्री होकर स्थान परिवर्तन कराने में सक्षम है। तृतीयेश बुध पर द्वादशस्थ मंगल एवं अष्टमेश शनि की दृष्टि है। तृतीयेश वक्री बुध की दशा आरंभ होते ही जातिका को 4 में 3 घर बदलना पड़ा।
इसका थर्ड पार्ट है साड़ियों के व्यापार में असफलता। इसके बाद एक वर्ष साड़ियों का भी व्यापार किया लेकिन वहां भी सफलता नहीं मिली। बुध वक्री होकर तृतीय में उच्च का है लेकिन अष्टमेश शनि से दृष्ट है। इन तीनों में हमने ये 1 अप्रैल 1994 का ही गोचर लिया है। घटना के समय सप्तमेश शनि का लग्न के अंशों 13 डिग्री पर अष्टम भाव में अपनी राशि में गोचरीय बुध जो जन्मांक के तृतीयेश व षष्ठेश है तथा मंगल जन्मांक के पंचमेश व दशमेश के साथ गोचर था। शनि के अष्टम भाव से द्वितीय व द्वितीय चतुर्थेश शुक्र पंचम भाव तथा दशम भाव पर दृष्टि ने जातिका का बार बार घर बदलवाया और शिक्षा तथा कैरे में भी बदलाव दिया। घटना नंबर 2 विवाह के दिन बारात का लौटना। इस समय दशा 3 बुध राहु मंगल। जातिका ने प्रेम विवाह किया है। विवाह की तारीख 2 फरवरी 2006 की तय हो गई थी लेकिन शादी के दिन बारात ही नहीं आई। महादशानाथ बुध द्वाशेष होकर वक्री है और लग्न सप्तमेश शनि से दृष्ट है। राहु चतुर्थ भाव में और राशि शुक्र विवाह के कारक होकर द्वितीय भावस्थ है। प्रत्यंत दशानाथ मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि है। दशानाथ का संबंध दो स्थानों से बना हुआ है। यहाँ गोचर है 2/2/2006 का। लगा देंगे सर 2/2/2006। हाँ जी गोचर में देखिए सप्तमेश शनि लग्न के अंशों 13 डिग्री पर ही वक्री होकर स्वयं पर लग्न में गोचरस्थ है और सप्तम पर दृष्टि है। लग्न के अंशों पर वक्री होना अर्थात वस्तु वहीं पड़ी है लेकिन मिल नहीं रही है अथवा कुछ मिलते मिलते रह जाना। जन्मकालीन गुरु पर राहु का गोचर अच्छा नहीं होता है। सामान्यतः राहु की गति वक्री ही होती है। यहाँ नवम भाव में राहु भी लगन से निकटतम अंशों पर गोचर कर रहे हैं। गुरु पर राहु का और राहु पर गुरु का गोचर किसी अप्रिय घटना का संकेत दे रहे थे। जन्मांक के गुरु 25 डिग्री का गोचर में अपने निकटतम अंशों 23 डिग्री पर गोचर था। दशा बुध राहु की थी और महादशानाथ बुध पर राहु केतु के गोचर ने घटना को निश्चित कर दिया। यहाँ बुध पर गोचरीय शनि की भी वक्री दृष्टि थी। सप्तमेश शनि का लग्न में वक्री होना सगाई तोड़ने के लिए सक्षम था। शनि देरी का कारण है जिसके कारण विवाह अचानक से रुक गया। अब घटना नंबर 3 पुनः उसी लड़के से विवाह होना। यहाँ पे गोचर सर 17/7/2007 का। सर गोचर 17/7/2007। लगभग 1.25 साल के बाद बुध गुरु शुक्र की दशा में जातिका का विवाह उसी लड़के से पहले कोर्ट में संपन्न हुआ। तत्पश्चात 4 लोगों के मध्य मंदिर में भी हुआ। महादशानाथ बुध पर सप्तमेश शनि की लग्न से दृष्टि है। अंतरदशानाथ गुरु भाग्येश होकर नवमस्त हैं और वहां से महादशानाथ बुध तथा सप्तमेश शनि को देखते हैं। प्रत्यंतदशानाथ शुक्र वर्गोत्तम तथा विवाह के कार्य होकर कुटुंब भाव में स्थित है। दशानाथों की वक्रता पुनः प्रयास से कार्य सिद्धि का संकेत देती है। गोचर में 17/7/2007 शनि लग्न से निकल गया था। गुरु का लग्न 13 डिग्री से निकटतम अंशों 16 डिग्री पर पंचम भाव में गोचर था। यहाँ भी गुरु वक्री हैं और भाग्येश भी हैं और यहाँ से गुरु की जन्मांक के लग्न नवमस लग्नेश चंद्रमा तथा सप्तमेश शनि पर दृष्टि थी। अतः भाग्येश होने की भूमिका निभाते हुए गुरु ने वक्री होकर अपना अधूरा कार्य पूरा किया अर्थात विवाह करवाया। जो रिश्ता पहले चल रहा था वहीं शादी हो गई। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब शनि लग्न के अंशों पर वक्री हुए थे तो विवाह रुकवा दिया था और अब गुरु ने लग्न से निकटतम अंशों पर वक्री होकर विवाह करवा दिया। इस तरह जिस ग्रह का जो कार्य था वह वक्री होने पर पूरा हो गया। घटना नंबर 4 बेटी का जन्म 12/3/2008 का गोचर लगा देंगे सर 12/3/2008। जब बेटी का जन्म हुआ तो बुध गुरु राहु की दशा में जातिका को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई।
यहाँ पुनः महादशानाथ तथा अंतदशानाथ बुध एवं गुरु वक्री हैं। महादशानाथ बुध पर पंचमेश मंगल की दृष्टि है। अंतदशानाथ गुरु नैसर्गिक संतान कारक होकर लग्न तथा पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। राहु चतुर्थ भाव में कुटुंबेश सूर्य के साथ वंश वृद्धि का संकेत दे रहे हैं। अब गोचर में देखिए, गोचरीय शनि 9 डिग्री, जन्मकालीन शनि 8 डिग्री के अंशों के निकट वक्र है। गोचरीय शनि की जन्मांक के द्वितीय भाव से चतुर्थश जन्मांक के द्वितीय सूर्य पर दृष्टि कुटुंब वृद्धि कर रही थी। पंचमेश मंगल का भी स्वयं पर द्वादश भाव में अपने जन्मकालीन अंशों से निकटतम अंशों 8 डिग्री पर गोचर था। संतान कारक गुरु की षष्ठ भाव से पंचमेश मंगल जो जन्मांक व गोचरीय दोनों पर दृष्टि थी। पंचमेश मंगल की जन्मांक व गोचरीय महादशानाथ बुध पर दृष्टि थी। राहु 3 डिग्री का अष्टम भाव में लग्नेश चंद्रमा 3 डिग्री के अंशों पर गोचर। घटना नंबर 5, बेटी के हेमिप्लेजिया रोग से पीड़ित होना। बेटी के जन्म के लगभग 6 माह बाद 1 अक्टूबर 2008 जातिका को पता चला कि उसे हेमिप्लेजिया रोग है, जिससे बेटी के शरीर के दाएं आधे भाग का हिस्सा कमजोर हो गया था। इसे आंशिक लकवा भी कह सकते हैं। कई जगह से इलाज करवाया लेकिन ठीक नहीं हुई। 9 मार्च 2011 में वक्री बुध की महादशा समाप्त हो गई। बीमारी के समय बुध शनि शनि की विंशोत्तरी दशा थी। महादशानाथ वक्री बुध पंचम भाव से अष्टमेश होकर तृतीयस्थ हैं और शनि तथा मंगल से दृष्ट होकर अत्यंत पीड़ित हैं। पंचमेश मंगल का स्व नक्षत्र में होना संतान संबंधी समस्या दे सकता है। इस पंचमेश मंगल की अपने पंचम भाव से अष्टम में स्थिति संतान को शारीरिक कष्ट देने में सक्षम है। गोचर है 1/10/2008। आंसर हाँ जी, लग गया। गोचर में बुध का स्वयं पर से अपनी जन्मकालीन स्थिति पर गोचर था। यहाँ गोचरीय बुध का 26 डिग्री जो कि पंचम भाव से अष्टमेश भी है। पंचम से द्वितीय जन्मकालीन गुरु 25 डिग्री से निकटतम अंशों पर गोचर था। गोचरीय गुरु की छठे भाव से पंचमेश मंगल पर दृष्टि थी। गोचरीय शनि के द्वितीय भाव में शुक्र पर पंचम से द्वादश सप्तमेश गोचर था। यहाँ पंचम से द्वादश चतुर्थ और सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि ने बेटी को नसों संबंधी रोग दिया। गोचरीय पंचमेश मंगल 3 डिग्री का लग्नेश चंद्रमा 3 डिग्री के तथा अपने जन्मकालीन अंशों 6 डिग्री के निकट गोचर था। लग्नेश चंद्रमा का अपने जन्मकालीन अंशों 3 डिग्री पर तथा शुक्र का अपने निकटतम अंशों 14 डिग्री पर पंचम से द्वादश भाव में जन्मकालीन राहु केतु पर गोचर था। अतः यह गोचर माता और बेटी दोनों के लिए कष्टदायी रहा। इस तरह से हमने देखा कि जातिका को जहां जन्मांक के वक्री ग्रह के अच्छे योगों का फल मिला, वहीं वक्री ग्रह की महादशा में अनेक उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। उतार चढ़ाव किसी अन्य ग्रह की महादशा में भी देखने को मिल सकते हैं। अतः वक्री ग्रह को केवल बुरे फल देने वाला ही नहीं माना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। 15 मिनट के लिए हम लोग टी ब्रेक के लिए जाएंगे। 3:30 पर हम वापस सेशन को ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।